मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गोर एक सुनसान रेगिस्तान में अपनी बेटी के साथ भटक गया है और इस सुनसान रेगिस्तान की वजह से उसकी और उसकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो दोनों भूख प्यास से तड़प रहे होते हैं, लेकिन तभी गोर अपने गोर से प्रे करता है कि वो हमारी जान बचा ले। लेकिन कई बार प्रे करने के बाद भी गोर को कोई जवाब नहीं मिलता और धीरे धीरे भूख प्यास के कारण गोर की बेटी की मौत हो जाती है और वो वहीं पे उसको दफना देता है। तभी गोर को चलते चलते रेगिस्तान में एक जंगल दिखाई देता है। वो जैसे ही उस जंगल के अंदर जाता है उसे पानी मिलता है। पहले वो पानी पीता है, फिर वहां रखे हुए फल फ्रूट खाने लगता है। तभी गोर को अपना गोर दिखाई देता है और वो अपने गोर से कहता है कि आप ही ने मेरी जान बचाने के लिए ये सब किया। लेकिन तभी गोर कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया, मुझे एक तलवार मिली है जिससे मैं सबको खत्म कर सकता हूँ, बस उसकी सेलिब्रेशन करने के लिए मैंने ये सब किया है। गोर अपने गोर से कहता है कि मैंने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आपसे प्रे की थी लेकिन आपने नहीं सुनी। लेकिन उसका गोर उसकी मजाक उड़ाता और कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी मर गई तो भी क्या हुआ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और इस बात से गोर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी तलवार से अपने गोर को मार देता है और वो कसम खाता है कि मैं सारे गोर को मार दूंगा कि जिन घोड़ की हम पूजा करते हैं वो इसके लायक नहीं है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि थोर का दोस्त थोर की कहानी छोटे बच्चों को सुना रहा होता है कि थोर ने हमेशा दूसरे लोगों की मदद की और वो हमेशा उन लोगों के लिए लड़ा जो अपने लिए नहीं लड़ सकते थे। थोर का दोस्त उन बच्चों को सब बताता है कैसे थोर के परिवार की डेथ हुई, कैसे एक एक करके लोग मारे गए और वो उन बच्चों को जेम्स फॉस्टर के बारे में बताता है जिससे थोर प्यार करता था, लेकिन वो दोनों भी जल्दी बिछड़ गए। और थोर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को ज्वाइन कर लेता है, वह साथ मिलके लोगों की मदद करते हैं और लड़ाइयां लड़ते हैं। थोर को हमेशा जेम्स फॉस्टर की याद आती है, थोर डिसाइड करता है कि अब वो अपनी लाइफ अकेले ही बिताएगा और वो एक सुनसान प्लेनेट पे चला जाता है। लेकिन तभी कुछ लोग आते हैं कि हमारे ऊपर लुटेरों ने हमला किया है और ये लड़ाई हम तुम्हारे बिना नहीं जीत सकते। और यह बात सुनते ही थोर के अंदर का वॉरियर जाग जाता है और वो उन लुटेरों से लड़ने पहुंच जाता है। उन लोगों का राजा उसे बताता है कि हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी लेकिन किसी ने आके हमारे गॉड को मार दिया और उसके बाद ये लुटेरे यहाँ आ गए। थोर उन लोगों की मदद करता है और लड़ाई लड़ता है और उन सारे लुटेरे को वहां से मार के भगा देता है। तभी हमें दूसरे सीन में जेम्स फॉस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जेन होता है, लेकिन अब उसे कैंसर हो चुका होता है और वो इतने सालों में एक वैज्ञानिक और प्रोफेसर बन चुकी होती है और अपने नॉलेज की वजह से लोगों की हेल्प करती होती है। तभी जेन को एक किताब से थोर के टूटे हुए हथौड़े के बारे में पता चलता है। जैसे ही जेन उस जगह पे उस हथौड़े को देखने जाती है और जेन के आते ही उस हथौड़े के सारे टुकड़े अपने आप हिलने लगते हैं। तभी थोर को पता चलता है कि बहुत सारे देशों को उनकी हेल्प की जरूरत है। इन सारे देशों में मुसीबत इसलिए आई है क्योंकि इनके घोड़ को मार दिया गया होता है। तभी थोर को गोर के बारे में पता चलता है कि उसी ने उन सारे घोड़ को मारा है और अब उसका अगला टारगेट न्यू एस्गार्ड है और वहां पे वो उसके घोड़ को मारने वाला है। तभी गोर न्यू एस्गार्ड पहुंच जाता है और अपनी जादुई तलवार की मदद से वह बड़े बड़े दानों बनाता है और वो न्यू एस्गार्ड पे हमला करके उसे तबाह करने लग जाते हैं। लेकिन तभी इसी फाइट के दौरान थोर की एंट्री होती है और थोर चुन चुन के उन सारे दानों को मारने लगता है। तभी थोर को पता चलता है कि यहाँ पर एक और पावरफुल फाइटर है बिल्कुल उसके जैसा और तभी फीमेल माइटी थोर जेम्स फॉस्टर की एंट्री होती है और थोर उसे देख के बहुत खुश होता है और दोनों एक साथ मिलके सारे दानों को चुन चुन के मार डालते हैं। लेकिन गोर अपनी जादुई तलवार की मदद से बच्चों को गायब करके अपने साथ ले जाता है और उन बच्चों के पेरेंट्स सारे थोर से कंप्लेंट करते हैं कि उनके बच्चे कहाँ चले और थोर उनसे वादा करता है कि मैं सारे बच्चों को वापस लेके आ जाऊंगा। तभी थोर को उस तलवार के बारे में पता चलता है कि यह एक ऐसी तलवार है वो जिसके भी हाथ में होती है वो सारे ब्रह्मांड पे राज कर सकता है और यह तलवार सारे गोर को बड़ी आसानी से मार सकती है। लेकिन तभी थोर को पता चलता है कि गोर ने उस बच्चों को स्पेस के डार्क हिस्से में रखा है और वो डार्कनेस में बहुत पावरफुल हो जाता है। इसलिए थोर हेल्प मांगने के लिए सारे गॉड्स के पास जाता है, लेकिन वहां पर सारे गॉड्स की एक मीटिंग चल रही होती है और उन मीटिंग के बीच में थोर अपनी बात रखता है कि हम उसको हरा सकते हैं एक साथ मिलके। लेकिन तभी वहां पर गॉड के गॉड यानी ज्यूस को गुस्सा आ जाता है और वो थोर को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी थोर को पता चलता है कि अगर हम ज्यूस का हथियार ले ले तो हम उसके सहारे आसानी से गॉड को हरा सकते हैं। तभी थोर और फीमेल थोर और उसकी टीम मिलके सारे गॉड पे अटैक कर देती है और इस लड़ाई में वो ज्यूस का हथियार लेके वहां से भाग जाते हैं और वो उसके बाद सीधे गोर के प्लैनेट पे पहुंचते हैं जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। लेकिन तभी थोर को पता चलता है कि उन सबको उस प्लैनेट पे लाने के लिए ये गोर का प्लान था, क्योंकि गोर को थोर का
का हथियार चाहिए होता है जिसकी मदद से वह एक गेट को खोल सकता है। यह गेट इटर्निटी का होता है, यानी जो भी इटर्निटी से विश मांगता है उनकी विश पूरी हो जाती है। और गोर इटर्निटी से सारे गॉड्स का खात्मा करने वाली विश मांगने वाला होता है। लेकिन तभी थोर और फीमेल थोर और उसकी टीम मिलके उस गोर से फाइट करते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन गोर अपने प्लेनेट पे बहुत पावरफुल होता है और उन सबको कैद कर लेता है। लेकिन तभी वो थोर से अपना हथियार देने को बोलता है, लेकिन थोर मना कर देता है। इसके बदले वो फीमेल माइटी थोर उसकी फ्रेंड को मारने की कोशिश करता है, जिससे थोर मजबूर होकर उसे अपना हथियार दे देता है। लेकिन तभी थोर को पता चलता है कि उसने इटर्निटी का गेट खोल दिया है और वो उनसे विश मांगने ही वाला होता है। लेकिन फिर भी थोर ये कहता है कि तुम्हें सारे गोर का खात्मा करने के बाद भी मन की शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें अपने मन की शांति सिर्फ लव में मिलेगी। और यह बात सुन के गोर को अपनी बेटी याद आ जाती है और वो इटर्निटी से सारे गोर को खात्मा करने की बजाय अपनी बेटी को मांगता है और तुरंत उसकी बेटी वहाँ पे आ जाती है। उस पावरफुल तलवार को यूज करने के बाद गोर काफी कमजोर हो जाता है और मरने ही वाला होता है। और दूसरी तरफ जेम्स फॉस्टर भी अपने कैंसर के कारण मरने ही वाली हो। तभी गोर ये कहता है कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल कौन रख। तभी थोर उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगा। और उसी टाइम गोर की डेथ हो जाती है और उसके थोड़ी देर बाद जेम्स फॉस्टर की भी डेथ हो जाती है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि थोर उन सारे बच्चों को छोड़ा के वापस एस्गार्ड ले जाता है और थोर और गोर की बेटी मिलके दोनों एक साथ लड़ते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि थोर ने ज्यूस पे हमला किया होता है उसका वेपन पाने के लिए, जिसकी वजह से ज्यूस घायल हो चुके होते हैं और वो थोर से अपना बदला लेना चाहते हैं। और थोर से बदला लेने के लिए वो अपने बेटे हरक्यूलिस को बुलाते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।